बहुत हो गया आशा जी, आप कितने ऑटोग्राफ देंगी? थक जाएंगे आप, इतने प्यार से आए हैं सब। लेट मी, एक काम करते हैं, इन सबकी बुक्स मैं अपने कैबिन में मंगवा लेता हूँ, वहीं बैठ के आप इतमिनान से ऑटोग्राफ दीजिएगा। ओके, आइए प्लीज आइए। इस बार सेकेंड एडिशन की सेल भी अच्छी हुई, क्या बात है। अब आप अगली बायोग्राफी किसकी लिखने वाली हैं? कुछ नाम है मेरे जहन में, रिसर्च कर रही हूँ, बट दिस टाइम आई वांट टू डू समथिंग वेरी चैलेंजिंग। मैं एक नाम सजेस्ट करूँ? जरूर। ही इज अ वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, आप उन्हें फिलैंथ्रोपिस्ट भी कह सकती हैं। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, बट इज ऑलवेज केप्ट अ लो प्रोफाइल। बायोग्राफी तो छोड़िए, आज तक किसी को उन्होंने इंटरव्यू तक नहीं दिया। कुछ साल पहले मैंने भी कोशिश की थी पर नहीं मना पाया। आप नाम तो बताइए। अरुण प्रकाश माथुर। नाम तो सुना हुआ है। मैं उनकी डिटेल्स आपको मेल कर दूंगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन अप्रोच हिम। डिफिकल्ट? इंटरेस्टिंग, फिर तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। यू नो मिस्टर शेखर, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अब मैं अरुण जी की बायोग्राफी लिखूंगी और वो भी ऑथराइज्ड। आज लिली मेमोरियल हॉस्पिटल की 25वीं सालगिरह पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और अरुण प्रकाश माथुर जी को बधाई देता हूं। अरुण जी ने जिस मकसद से ये लिली मेमोरियल हॉस्पिटल खोला था, उस मकसद में हम धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अरुण जी की हमेशा यही कोशिश रही है कि हमारे हॉस्पिटल में वो सभी सुविधाएं मौजूद हों जो इंटरनेशनल लेवल के कैंसर हॉस्पिटल्स में होती हैं। साथ ही हमेशा इनकी ये भी कोशिश रही है कि पैसों की कमी कभी मरीज के इलाज के आड़े ना आए। इन्होंने हमेशा हमें यही सिखाया है कि वी शुड बी फॉर द वेलनेस ऑफ द पीपल, नॉट ओनली फॉर इलनेस। और अब हम सबकी तरफ से मैं अरुण जी का सम्मान करना चाहता हूं। स्माइल प्लीज, नो फोटोज प्लीज। मैं आपसे जाता हूं, वहां पे मिलते हैं। सर अपना फंक्शन बहुत अच्छा हुआ। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। बैठो। अरे अरे क्या कर रहे हो? ये मेरा बेटा अमर है, इसे आप ही ने जीवन दान दिया है। आप जैसे देवता तो मदद करके भूल जाते हैं, मगर हम कैसे भूल जाएं बाबूजी? भगवान आपकी हर मुराद पूरी करे। अरुण जी, आप नहीं जानते कि आप लोगों के दिल में मसीहा बन गए हैं। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर, मेरी तो बस यही कोशिश रहती है कि लोगों को अपनों से बिछड़ने का दर्द न सहना पड़े। आप बहुत बड़े हैं। ये किताब लीजिए ना साहब, बहुत अच्छी है। लीजिए ना साहब, साहब साहब लीजिए ना, किताब बहुत चल रही है साहब। साहब ये किताब लीजिए ना साहब, प्लीज साहब। जरा यहां रोकना। जरा ये दिखाइए। यस सर। एक्सक्यूज मी जी, क्या मेरा ऑर्डर तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है, अभी लाता हूं। अरे वो तो इनके हाथ में है। क्या? इन्होंने तो पैसे भी दे दिए। लेकिन ऑर्डर पहले मैंने दिया था। आप मुझे किताब इशू कर चुके हैं,
बट सर किताब मैंने पहले मांगी थी, नेचुरली मुझे पहले मिलनी चाहिए। हाँ पर आप दूसरा कोई बुके ले लीजिए ना। ऐसे कैसे दूसरा ले जाऊँ, आप जानते हैं ये फूल बहुत बड़े आदमी के लिए है। आई एम रियली सॉरी मैम, देखिए मैं आपको इससे भी बढ़िया बुके। एक मिनट, ऑर्डर पहले इन्होंने दिया था, ये फूल इन्हीं को मिलने चाहिए। सर थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी, यू आर अ जेंटलमैन, थैंक्स अ लॉट। इस एरिया में अरुण इंडस्ट्रीज का ऑफिस कहाँ है? आप एक काम कीजिए, यहाँ से लेफ्ट ले लीजिए, फिर एक सिग्नल आएगा, वहाँ से राइट मुड़ते ही कॉर्नर वाली पहली बिल्डिंग। थैंक यू। ये लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। गुड मॉर्निंग सर। 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 सर शर्मा इन कंपनी के मैनेजर्स 15 मिनट में आ रहे हैं। में नहीं तो क्या हुआ, सिर्फ 5 मिनट ही तो मिलना है, मिलने दीजिए ना प्लीज। मैम अरुण सर से मिलना इतना आसान नहीं है, आप बैठिए पानी पीजिए, तब तक मैं आपके लिए नेक्स्ट मंथ की अपॉइंटमेंट देखती हूँ। नेक्स्ट मंथ? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कल की बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैम अरुण सर बहुत, देखिए मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, आई हैव टू मीट हिम, दैट्स ऑल। रिया ये क्या चल रहा है? अरुण सर से मिलने के लिए इनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। Excuse me, मेरा नाम आशा है। एक मिनट, अरुण, 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 अरुण वो? जानता हूँ। ले आओ उन्हें। ले आओ उन्हें। ले आओ उन्हें। आप आइए मेरे साथ। May I come in? चौंक गए ना? Oh my God, I'm so sorry. दरअसल मैं ये फूल आप ही के लिए। Thank you. ये कहती है इनका नाम आशा है। बैठिए। क्या लेंगी आप? आपका थोड़ा सा वक्त। Let me introduce myself. I'm an author. मेरी लिखी हुई डॉक्टर जमा हबीब की बायोग्राफी रिसेंटली पब्लिश हुई है एंड इट इज अ बिग सक्सेस। अगली बायोग्राफी मैं आपकी लिखना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझ में ऐसी कोई खास बात है जिसे आप लिखें और लोग पढ़ें। ये तो आपका बड़प्पन है अरुण जी, वरना आपने लोगों के लिए क्या नहीं किया। कैंसर पेशेंट्स के घर वाले तो आपको दुआएं देते हैं, ओल्ड पीपल्स होम, ब्लाइंड स्कूल, नारी निकेतन एंड मच मोर, और ये सब आपने अपना बिजनेस संभालते हुए किया है। एक मिनट, इतना सब कुछ कैसे जानती हैं आप मेरे बारे में? सर अभी तक तो आपको लोगों से सुनकर जाना है, अब आपको आपकी जुबानी जानना चाहती हूँ। प्लीज इफ यू कुड स्पेयर सम टाइम फॉर दिस। आई कीप वेरी बिजी यू नो। सर ओनली बिजी पीपल हैव टाइम। शी इज राइट। I'll think about it and let you know. Thanks. This is my card. Oh. Thanks. मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। I hope आपका जवाब हाँ होगा। लो कर लो गलती, सुन लो बात। तू भी किन्हीं चलिए। अरे अरुण प्रकाश माथुर वहाँ शॉप पे खड़े थे और तूने उन्हें पहचाना भी नहीं। तू भी कमाल करती है, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट एक छोटी सी फ्लावर शॉप में खड़ा होगा। हाँ वैसे बात तो सही है, फिर क्या हुआ? होना क्या था, जब मैं उनके ऑफिस पहुँची मेरी तो बोलती ही बंद हो गई।
है क्या? सिर्फ मेरी बोलती बंद नहीं हुई, वो भी मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे भूत देख लिया हो। हैरत ज़दा हूँ मैं, क्या देखता हूँ मैं, जाना हुआ पहचाना हुआ ये कौन आ गया, वैसा ही रंग है वैसा ही रूप है, देखा हुआ समझा हुआ ये कौन आ गया। बबुआ खाना लगा दे। काका आज प्लीज खाना ऊपर ही भिजवा दीजिए। आशा ये ले तेरा फेवरेट गाजर का हलवा। थैंक्स नीतू, तू मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती है। अरे तू मेरी सहेली है और पड़ोसन भी, और पड़ोसन का ख्याल नहीं रखूंगी तो वक्त पड़ने पर दूध और शक्कर कहाँ से मिलेगी। एक बात बता डियर, तुझे लगता है रुंजी बायोग्राफी के लिए मान जाएंगे? तू ही तो कह रही थी कि बहुतों ने कोशिश की लेकिन आज तक उन्होंने किसी को हाँ ही नहीं की। आज तक उन्हें मेरी जैसी कोई मिली ही नहीं होगी। हैप्पी बर्थडे।